मारियाना ट्रेंच पृथ्वी पर सबसे गहरी और शायद सबसे रहस्यमय जगह है, चाहे इसका मतलब कुछ भी हो। गहरे समुद्र में रहने वाली एंगलर फिश, फ्रिल्ड और गोब्लिन शार्क, बैरलाइड मछली जैसे विचित्र जीव। हैचेट मछली पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में एक अर्धचंद्राकार खाई में रहती है। मारियाना ट्रेंच के दक्षिणी छोर पर चैलेंजर द्वीप में अब तक केवल 3 लोग ही उतरे हैं। वहां लगभग 11,000 फीट की गहराई पर छिद्रों से कार्बन डाइऑक्साइड और तरल सल्फर उबल रहा है। मिट्टी के ज्वालामुखी सतह की तुलना में हजारों गुना अधिक दबाव में फटते हैं, और इसलिए यह वह जगह नहीं है जहां मैं जाना चाहता हूं, इसलिए अलविदा। ठीक है, जब से आपने क्लिक किया है, हाँ, आप ऐसी जगहों पर जाने वाले हैं जो मारियाना ट्रेंच से कम रहस्यमय और डरावनी नहीं है। आपका पहला पड़ाव मेक्सिको है। युकाटन प्रायद्वीप, सटीक होने के लिए। क्रिस्टल स्पष्ट पानी से भरे उन अथाह सिंकहोल्स को देखें। यह ताजा पानी है जो समुद्र से रिसने वाले खारे पानी पर निर्भर करता है। सिंकहोल्स को सेनोट्स कहा जाता है। मायाओं का मानना था कि ये प्राकृतिक कुएं अंडरवर्ल्ड के प्रवेश द्वार थे। ध्वस्त चूना पत्थर की चट्टान से निर्मित हजारों सेनोट दुनिया की सबसे लंबी पानी के नीचे की गुफा प्रणालियों में से एक का निर्माण करते हैं। आप इस उलझे हुए रहस्यमयी जाल में आसानी से खो सकते हैं। अब कैरेबियन यात्रा का समय आ गया है। वहां आपको वेंडा में वेंट फील्ड देखने के लिए लगभग 8,000 फीट की गहराई तक जाना होगा। हाइड्रोथर्मल वेंट से 400 डिग्री फारेनहाइट तक तापमान वाले गंदे खौलते पानी की धाराएं निकलती हैं। यह पिज्जा पकाने के लिए लगभग पर्याप्त है। ये घेर तालक से बने होते हैं, एक पदार्थ जिसे आप बेबी पाउडर में पा सकते हैं। वेंडा में वेंट फील्ड विषम प्रजातियों के लिए एक नखलिस्तान है। उनमें से एक है एक प्रकार का डरावना झींगा। ये मछलियां बिना आंखों के भी तैर सकती हैं। इसके बजाय वे अपनी पीठ पर प्रकाश संवेदनशील कोशिकाओं के पैच से सुसज्जित हैं। आपकी सूची में अगली पहेली भी कैरेबियन में है। बेलीज के तट से कुछ दूर एक विशाल सिंक होल है। हाँ, वह ग्रेट ब्लू होल है। यह चीज लगभग 1,000 फीट चौड़ी और 400 फीट से अधिक गहरी है। एक बार बहुत समय पहले यह छेद एक गुफा थी, जब तक बढ़ते पानी ने इसे खून से भर नहीं दिया। यह इसे अपने आप में ध्वस्त कर देता है। आप ग्रेट होल के क्रिस्टलीय जल में जितनी गहराई तक उतरेंगे, यह उतना ही गहरा होता जाएगा। आप ढेर सारी स्टैलेक्टाइट से भरी गुफाएं देखते हैं, लेकिन जब तक आप निराशाजनक रूप से खो जाना नहीं चाहते, तब तक उनमें प्रवेश करने का प्रयास भी न करें। एक बार जब आप 50 फीट की गहराई तक पहुंच जाते हैं, तो आप देखते हैं कि सिंकहोल के नमकीन शीर्ष को मीठे पानी की खाई से विभाजित करने वाली अदृश्य रेखा के रूप में पानी चमक रहा है। आपका अगला गंतव्य प्रशांत उत्तर पश्चिमी तट से दूर है। कई साल पहले वहां मीथेन बुलबुले की लगभग 500 धाराएं खोजी गई थी। बुलबुलों के कारण इन छिद्रों को शैम्पेन सीप्स नाम मिला, जो फार्ट स्पा से बेहतर लगता है। वैज्ञानिक अभी भी इस घटना पर माथापच्ची कर रहे हैं। मीथेन कहां से आती है? पानी के नीचे गाय? इसका तापमान आसपास के महासागर की तुलना में अधिक गर्म क्यों है? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप किसी बड़े बुलबुले के पास कहीं माचिस जलाने में कामयाब हो जाएं तो क्या होगा? मीथेन को अत्यधिक ज्वलनशील गैस की आवश्यकता होती है, और मीथेन बुलबुले को आग लगाना। ठीक है, आपको तस्वीर मिल गई है, और अब आप आइसलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। योजना सिलफ्रा में गोता लगाने की है, जो शुद्ध ग्लेशियर के पानी से भरी हुई दरार है। 206 फुट गहरी यह दरार ग्रह पर एकमात्र पानी के नीचे की जगह है, जहां आप एक साथ दो महाद्वीपों को छू सकते हैं। आप जितना गहराई में जाएंगे, यह उतना ही गहरा होता जाएगा। चट्टानी परिदृश्य अलौकिक दिखता है। जो गोताखोर इस अविश्वसनीय जगह पर जाने का साहस करते हैं, उनके गियर जम जाने, हाइपोथर्मिया होने या जीवित न बच पाने का जोखिम रहता है। आखिरकार सिलफ्रा फिशर में पानी का तापमान साल भर लगभग 35 डिग्री फारेनहाइट रहता है। आपका अगला गंतव्य स्कॉटलैंड है। ठीक है, बैग पाइप बताओ। यदि आप कोरिवरेचन की खाड़ी में गोता लगाते हैं, जो दो द्वीपों के बीच एक संकीर्ण खाड़ी है, तो आपको पानी के नीचे विशाल चट्टाने और गहरे छेद दिखाई देंगे। वे ग्रह पर तीसरा सबसे बड़ा स्थायी भंवर बनाते हैं, कोरिवरेचन मेलस्ट्रॉम। पानी जलद मरुमध्य से तीव्र गति से बहता है। यह पानी के नीचे की चट्टानों से टकराता है, और वह स्थान उबलते पानी के बर्तन जैसा दिखता है। इस प्रक्रिया में बनी लहरें कभी कभी 15 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाती हैं, और आप अभी भी 10 मील दूर से गर्जन वाले भंवर को सुन सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि कोरिवरेचन मेलस्ट्रॉम ने सदियों से दर्जनों नाविकों को निगल लिया है। वे इस प्राकृतिक घटना की भयावहता से अनभिज्ञ थे और पलक झपकते ही पानी के अंदर चले गए। ठीक है, पर्याप्त बैग पाइप। आपके साहसिक कार्य अधिकाधिक चरम पर होते जा रहे हैं। आप अंटार्कटिका की ओर जा रहे हैं।
वहाँ दक्षिणी महासागर में आपको रॉस सागर की बर्फ की शेल्फ मिलेगी। इसे 5 गुना तेजी से कहें, बाद में अभी नहीं। यह लगभग स्पेन के आकार का है, जिसके नीचे समुद्र है, जिसमें उत्तरी सागर जितना पानी है। एक बार वैज्ञानिकों ने बर्फ के इस विशाल टुकड़े में नीचे तक ड्रिलिंग की। उनके आश्चर्य की कल्पना कीजिए जब उन्हें उन विषम परिस्थितियों में जीवन मिला। शोधकर्ताओं को ऐसी दर्जनों रहस्यमय प्रजातियां मिली जो पहले ज्ञात नहीं थी। सबसे अधिक परेशान करने वाली स्थिति उल्टी तैरती मछलियां और ठंडे पानी में लटके उल्टे समुद्री एनीमोन थे। उम्मीद है कुख्यात प्रतिष्ठा वाली विचित्र जगहें हमारे हाथों में नहीं पड़ेंगी। तुम्हें डराओ बहुत बुरा, क्योंकि आप बरमूडा ट्रायंगल देखने जा रहे हैं। यह बरमूडा फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको के बीच का क्षेत्र है, जहां विमान और जहाज पतली हवा में गायब हो जाते हैं। पहली बार इस जगह ने 1945 में लोगों का खूब ध्यान खींचा था। तभी अमेरिकी नौसेना के 5 विमान ट्रेनिंग के दौरान गायब हो गए थे। रेडियो संपर्क टूटने से पहले फ्लाइट लीडर ने कहा, हम सफेद पानी में प्रवेश कर रहे हैं, कुछ भी ठीक नहीं लगता। उसके बाद 14 लोगों के साथ उड़ान भरने वाले विमान गायब हो गए। इससे भी अधिक डरावनी बात यह है कि 13 लोगों को लेकर गया एक बचाव विमान भी कभी वापस नहीं आया। कुछ लोगों का मानना है कि अटलांटिस का पौराणिक शहर त्रिभुज के निचले भाग में स्थित है। उनका दावा है कि इसके निवासी जहाजों को डुबाने और हवाई जहाजों को दुर्घटनाग्रस्त करने के लिए अलौकिक तकनीकों का उपयोग करते हैं। अन्य लोग दुर्लभ और अज्ञात प्राकृतिक घटना को दोष देते हैं, उदाहरण के लिए चुंबकीय विसंगतियां या ज्वलनशील मीथेन गैस के विशाल भंडार। फिर अगर बिजली के झटके से किसी जहाज या विमान के पास एक विशाल मीथेन बुलबुला जल जाए तो संभवतः यह बिना किसी निशान के डूब सकता है, गंध को छोड़कर। लेकिन मीथेन पूरी दुनिया में हर जगह पाई जाती है और यह कभी भी इस तरह का व्यवहार नहीं करती है। कुछ विशेषज्ञ निश्चित नहीं है कि समझाने के लिए कोई रहस्य है। इस क्षेत्र से बहुत सारे व्यस्त मार्ग गुजरते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अधिक जहाज और विमान डूबते हैं। वहां देखने और सोचने के लिए कहीं और की तुलना में बहुत कुछ है। आप फिर से उत्तर की ओर जा रहे हैं। आपकी मंजिल ग्रीनलैंड में केप डेसोलेशन है। अच्छी जगह। 2012 में कनाडाई शोधकर्ता उस क्षेत्र में पानी का नमूना ले रहे थे और उनके उपकरण मूंगे के टुकड़ों के साथ सतह पर वापस आ गए। इस तरह एक ठंडे पानी की मूंगा चट्टान ठोकर खाते हुए पार हो गई। ये अनोखे गुलाबी रंग के मूंगे आसानी से सूरज की रोशनी के बिना रह सकते हैं और सतह से 3000 फीट नीचे तेज धाराओं में रह सकते हैं। एक और अनोखा स्थान जिसे आप मिस नहीं कर सकते वह ग्रीनलैंड और साइबेरिया के बीच स्थित है। गक्को रिज वैश्विक मध्य महासागर रिज प्रणाली का सबसे गहरा और सबसे दूरस्थ हिस्सा है। कुछ स्थानों पर यह 3 मील से अधिक की गहराई तक पहुंच जाती है। यह स्वाभाविक ही है कि इस पानी के नीचे की दुनिया के सबसे अंधेरे कोने अज्ञात बने रहे। पर्वतमाला के तल पर होने वाली आकर्षक रासायनिक प्रतिक्रियाएं खनिजों से भरपूर गर्म तरल पदार्थ का उत्पादन करती हैं। वे समुद्र तल के झरोखों से किसी भीड़ भरी पार्टी के नए लोगों की तरह उगलते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।